आगे पीएसएल की बात करते हैं। अब मुल्तान में पीएसएल सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में एक रोज़ बाकी है। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में कल शाम 6 बजे होगी और वहां पर तैयारियां कैसी हैं जिन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है, इस पर बात करने के लिए माजिन यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माजिन बताइएगा, सिर्फ एक रोज बाकी है पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की इफ्तिताही तकरीब में और मुल्तान सुल्तान जो है वो खास तौर पे तैयार है अपने मार्के के लिए लाहौर कलंदर से। बहुत ज्यादा जबरदस्त इंतजामात देखने में आ रहे हैं। अगर आपको दिखाऊं, इस वक्त लक्ष्य ग्रीन जो आउटफील्ड है वो तैयार है, तमाम इंतजाम तकरीबन मुकम्मल है, आखिरी मराहल में है। कल जो है वो मैच खेला जाएगा, इफ्तिताही तकरीब होगी और मुल्तान के जो शायकीन है खास तौर पे उन्हें एक टिकट में दो मजे मिलेंगे। पहले वो इफ्तिताही तकरीब को एंजॉय करेंगे और उसके बाद मैच को भी एंजॉय करेंगे। और मुल्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त के लिए आई तो पहले 1.5 से 2 घंटे में इफ्तिताही मैच की तमाम टिकट्स जो है वो फरोख्त हो चुकी थी, जबकि बकिया जो 5-4 मैच यहां पर हैं उसकी भी टिकट्स तकरीबन फरोख्त हो चुकी हैं। और जो 18,000, 12,000 या 10,000 वाली टिकट्स थी वो ही चंद एक टिकट्स अभी तक मौजूद हैं, बाकी तमाम टिकट्स जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। तो मुल्तानी खासे बेताब हैं इस मेगा इवेंट को वेलकम कहने के लिए और कल जो है वो यहां पर मैदान सजेगा और मुल्तानी शायकीन। बहुत शुक्रिया आज़िम यूसुफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीएसएल ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।